नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भगवान सूर्यदेव की कृपा से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर यानी कि दिनांक 3 सितंबर की सुबह 9 बजे के बाद आपके जीवन काल में भगवान सूर्यदेव की कृपा से ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ऐसे बड़े आपके ज़िंदगी में खुशखबरी आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, जिन्हें जानकर जिन्हें सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे और आपके तो बिल्कुल ही होश से उड़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को यह समय सावधानी भी रखने की बहुत आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह गोचर कुछ अशुभ घटना होने के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, यह समय अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके घर के दहलीज पर कुछ बड़ा अनर्थ घटना भी होने वाली है। इसलिए आप लोगों को यह समय सावधानी भी बरतने की आवश्यकताएँ होंगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यह समय आपके कुंडली के कुछ ग्रहों में अशुभ स्थिति का निर्माण हो रहे हैं। आपके कुंडली में कुछ अशुभ दृष्टि का निर्माण हो रहे हैं, जिस कारण से यह समय आप लोगों को कुछ सावधानियां भी बरतने की बहुत ही आवश्यकता होंगी। अगर आप यह समय कुछ सावधानी को नहीं बरतेंगे तो आपके ज़िंदगी में कुछ कुछ बड़ी परेशानी आ सकती हैं और आपके घर के दहलीज पर बड़ा अनर्थ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों को खुशी के साथ साथ सावधानी भी आप लोगों को इसमें बरतने की बहुत ही बहुत आवश्यकताएं होंगी। जी दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आपको हम बताएंगे कि आखिर आप लोगों को आने वाले 24 घंटे तक यानी कि 3 सितंबर को आपको कौन से सावधानी बरतने की आवश्यकता होंगी, कौन से गलतियां आपको करने से बचना होगा ताकि आपके ज़िंदगी में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई मुसीबतें ना आए और इन 24 घंटे के भीतर भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन काल में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, कौन कौन से बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली हैं। और इन 24 घंटे के समय अवधि में दोस्तों आपका बिजनेस उपहार, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति, घर परिवार का माहौल और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा लेकर आने वाले हैं और यह समय अवधि में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसे रहने वाली हैं, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में सारे के सारे जानकारियाँ बताने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो रहने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो कभी कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लिख जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें जय हो बाबा सूर्यदेव महाराज। आपके हर मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और भगवान सूर्यदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस दिन के पंचांग के बारे में। दोस्तों, इस दिन रविवार का दिन है और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव जी का पावन दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 6:24 के उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। ओ दोस्तों, आश्विनी नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। ओ दोस्तों, अगर सुबह की बात करें दोस्तों, वृद्धि योग मध्यरात्रि 3:11 के उपरांत दुर्वा योग प्रारंभ हो जाएंगी। और राहु काल के समय की बात करें अर्थात उनका बेहद ही शुभ समय की बात करें तो शाम 5:06 से लेकर के शाम 6:39 तक रहेंगे। तो दोस्तों, यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार की संकट एवं बाधाएं भी आ सकती हैं। और दोस्तों, अगर अभिजम समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें तो दोपहर 12:01 से लेकर के दोपहर 12:51 रहेंगे। दोस्तों, यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य
सिंह राशि पर है और चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि पर संचार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं दोस्तों, आपको हम सारे के सारे जानकारी बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों समस्त ग्रह और सितारों की चाल से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि दोस्तों आने वाला यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही शानदार दिन लेकर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज आप लोगों को कुछ सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकताएं होंगी, नहीं तो आज आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी भी आ सकती हैं। जैसे दोस्तों आज आपको अपने शत्रुओं से और अपने विरोधियों से आप लोगों को हर क्षेत्रों में आप लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों आज आप जिस भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र हो, व्यवसाय के क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, नौकरी के क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, व अन्य किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में आप जो भी काम आज कर रहे हैं, दोस्तों आप लोगों को हर क्षेत्र में हर काम को बहुत ही संभल कर करने की आवश्यकता होगी। और आज आपको अपने शत्रुओं से हर चीज़ में बचकर रहने की आवश्यकता होगी। आज आपको अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से 10 कदम दूरियां बनाकर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों आज आपके शत्रु, आपके विरोधी दोस्तों आपको परेशान पहुंचा सकते हैं, आपके एक लापरवाही का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बड़ी मुसीबत में भी आज डालने के प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में आज आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। आज अब जो भी काम कर दोस्तों, बिल्कुल भी किसी काम में आज अब लापरवाही और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आज आपकी एक गलती का फ़ायदा दोस्तों आपके शत्रु, आपके विपक्षी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस बात का आज आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज आप जो भी काम करें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करें और किसी भी काम को आज आप किसी पर भी विश्वास करके बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों आज आपके साथ बड़ा धोखा होने की आशंकाएँ बन रही हैं। तो ज़रा संभल कर रहने की आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों आज आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी में पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में ज़रा आज आप लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता होंगी। अगर आज आप हमारी इस बात को मजाक में समझने की भूल करेंगे या फिर आप अगर इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आपके विरोधी आज फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको परेशान पहुंचा सकते हैं। तो इन बातों का आज आप लोगों को बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी, तभी आप लोगों के लिए यह दिन बेहतर रहेंगे और तभी आपके ज़िंदगी में कोई संकट, कोई मुसीबतें भी नहीं आएंगी। और दोस्तों करियर और कारोबार के क्षेत्र में आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। दोस्तों आज आप लोगों को करियर में वो सफलता मिलने वाली है जिन्हें आप पाने के लिए आप जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, दोस्तों आपकी मेहनत में आज रंग लाने वाली है। और आज आपका कारोबार भी काफ़ी अच्छे ठीक ठाक चलेंगी, आज आपको अपने कारोबार में काफ़ी अच्छे सफलता भी मिलने लगेंगी। और दोस्तों अगर आज आप अपने कारोबार के क्षेत्र में को भी डील कर रहे हैं तो यह समय आपके विरोधी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए और ना ही आपके विरोधी को यह समय उसकी भनक भी लगने चाहिए, नहीं तो आपके विरोधी, आपके शत्रु उस डील में किसी प्रकार की उलझन खड़ी कर सकते हैं, हो सके तो आपके डील को रोक भी सकते हैं। तो ज़रा इस बात का आज आप लोगों को बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत ही हावी होने वाली हैं, आज आपके हर काम को वो बिगाड़ने के बारे में सोचेंगे। तो आज आप लोगों को हर काम को ज़रा संभल कर करने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों जो जातक नौकरी करते हैं उन लोगों को भी आज अपनी नौकरी में सावधानी से काम करने की आवश्यकता होंगी। अगर आज आप अपने नौकरी के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपके विरोधी आज तुरंत ही आपके मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन बात का ख्याल रखें और आज अपने नौकरी में हर काम को ज़रा संभल कर करने का प्रयास करें। और जो जातक सरकारी के क्षेत्र में नौकरी करते हैं उन जातकों को आज रिश्वतखोरी करने से बचना होगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो आज आपके शत्रु आपको किसी न किसी प्रकार के परेशानी पहुंचा सकते हैं, आपकी रिश्वत के बारे में आज आपके शत्रु खुलासा भी कर सकते हैं। तो ज़रा संभल कर रहें, नहीं तो आपको पछताना भी पड़ेंगे। आज जल्दबाजी में कोई काम ना ही करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो आज आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।
और दोस्तों प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आपके ग्रह सितारे बता रहे हैं कि आज प्रेम और पारिवारिक जीवन के मामले में दिन आप लोगों के लिए रोमांचक रहने वाले हैं। दोस्तों आज भले आपके घर परिवार में पति पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन इससे आपके रिश्ते पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेंगे और ना ही कुछ ऐसी समस्याएँ भी आपके घर में हो सकती हैं। आपके लिए सलाह यह है कि आज आप जिद्दी करने से बचें, क्योंकि आज आपकी जिद्दी स्वभाव के कारण दोस्तों परिवार लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। बस आज आपको कुछ इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और कुछ लोग आपसे दूरी भी बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो आज अब ऐसे कोई भी प्रकार की जिद्दी ना ही करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और दोस्तों इस राशि के जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपने प्रेम संबंध चलते आ रहे थे, दोस्तों उनका प्रेम संबंध या इसमें प्रगटता में होंगी, यानी दोस्तों उनके प्रेम संबंध या विवाह में तब्दील भी हो सकते हैं और इनके प्रेमों के बारे में दोस्तों आपके घर परिवार के लोग भी सहमत आज हो सकते हैं और आपकी बात भी आज सब कोई मानने को तैयार होंगे, जिनसे आपका मन भी आज काफ़ी खुश होंगे। और अगर सेहत की दृष्टि में देखा जाए तो आज सेहत के मामले में दिन आप लोगों के लिए अनुकूल रहेंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या चल रही थी आज उसमें आपकी सुधार भी हो सकती है, जिनसे आपका मन थोड़ा हल्का भी आज होंगे।